कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो रजिस्ट्रेशन है आयुष काउंसलिंग के, वो स्टार्ट हो गए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइस, अभी अभी एक और नोटिस आया है डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर। आज की वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपको यूजी काउंसलिंग के ऊपर आना है। तो जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीट मैट्रिक्स है वो आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि भैया, जो कुछ स्टेट्स के कॉलेजेस हैं वो चॉइस फिलिंग के अंदर अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर यही बताया था, वो जो स्टेट्स हैं वो अभी अपडेट हो जाएंगे चॉइस फिलिंग के अंदर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नोटिस आया है, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उसको हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोटिस जो है वो 11 नवंबर 2022 को आया है। यहाँ पर ये कहा गया है, काइंडली अटेंशन कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉरम फॉर डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग एंड वांटेड टू एडिट टू करेक्ट द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास सुबह से क्वेरीज आ रही थी, जिनको काउंसलिंग करवाना नहीं आता था, उन्होंने भी क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉरम खुद से भर लिया और दो तीन चीज़ें क्या कर दी उसके अंदर, गलत कर दी। तो ये जो नोटिस है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने गलती करी है और वो एडिट या करेक्शन करना चाहते हैं अब। तो यहाँ पर ये कहा गया है, कैंडिडेट्स हु आर एडवर्टेड फील्ड देयर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और वांट टू एडिट या मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ डबल ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2022 आर बींग फर्दर ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एडिट या करेक्ट देयर रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉरम। तो गाइज, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉरम है उसको एडिट या करेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद में ये कहा गया है, द कैंडिडेट हु सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉरम बट नॉट स्टिल लॉक देयर चॉइसेस कैन अवेल देयर फैसिलिटी फ्रॉम 5 शाम को 5 बजे से लेके 11 नवंबर से लेके 14 नवंबर को दोपहर के 12 बजे तक। तो ये चीज़ याद रखनी है उनको। और ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम मेजर है। After availing said faculty once, no further request in this regard will be attended by the IIIC Ministry of Ayush. तो यहाँ पर मैं बताऊँ सीधा सीधा हुआ क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया होगा IIIC UG काउंसलिंग को कि सर हमसे ये गलती हो गई। तो हर साल की तरह जो IIIC काउंसलिंग जो होती है, वो फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करती है, रजिस्ट्रेशन को एक बार वापस से अनलॉक करती है। फिर उसके बाद में गाइज, आप चाहे से कितनी ही गलती कर लो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फिर वापस से जो है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग वाला प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो मेजर है वो सिर्फ वन टाइम मेजर है और आपको सतर्कता से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है, फॉर अलाउिंग दिस फैसिलिटी कैंडिडेट नीड टू लॉग इन टू IIIC पोर्टल www.IIIC.gov.in देन क्लिक देयर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग टैब विच इज अवेलेबल ऑन अवेलेबिंग सर्विस सेक्शन। तो आपको क्या करना है, अवेलेबल सर्विस सेक्शन के ऊपर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन अनलॉक कर सकते हो और बाकी की चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर यही था इंपॉर्टेंट नोटिस। आई होप गाइस, ये जो नोटिस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और